उत्तर प्रदेश के हाथरस में भारत की बेटी के साथ हुए घृणित अपराध को दुखी पीड़ित परिवार को मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को जिस तरह मोदी जी ने, योगी जी ने पुलिस के दम पर रोक कर विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का खेल किया है, वह भारतीय लोकतंत्र व संविधान के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी उक्त तानाशाही कार्रवाई की निंदा करती है। उक्त विचार जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू व ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला भगत के संयुक्त विज्ञप्ति के व्यक्त करते हुए मोदी जी सत्ता के मद में इतने मदमस्त हो गए हैं कि वो जनता की आवाज़ को पुलिस, सीबीआई, ईडी के दम पर बंद करके चलाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। राहुल जी के साथ जिस तरह मोदी और योगी के पुलिस ने बर्ताव किया है उसकी जिला कांग्रेस निंदा करती है। साथ ही राष्ट्रपति जी से जनता के हित में मांग करती है कि सीख उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार पर कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी पुलिस के अधिकारी हैं उन्हें दंडित कराएं एवं बेटी के गुनाहगारों को फांसी की सजा देते हुए पीड़ित परिजनों को उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। प्रयाग स्पेशल न्यूज़ के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। कृषि नीति के विरोध में हाथरस में वाल्मीकि समाज के एक बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और आदरणीय राहुल गांधी जी हम सबके नेता मिलने जा रहे थे, उन्हें मिलने से रोका गया और उनके साथ पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी का यह धरना चल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी और शिवराज से पूछना चाहता हूं कि वो स्मृति ईरानी जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को निर्भया के मामले पे चूड़ियां भेजी थी, तो क्या वह स्मृति ईरानी का महिला प्रेम जागृत हो के मोदी को चूड़ियां भेजेगा क्या? मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि गुना के अंदर दलितों के साथ अन्याय हो गया, उनका घर उजाड़ा गया, उनको पीटा गया, रीवा के अंदर विवेक कुशवाहा पिछड़े वर्ग के साथी के साथ उसकी आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, राजपति कुशवाहा के साथ सतना के सिंहपुर के अंदर सीधे थाने के अंदर गोली मार दी गई और आप भी शिवराज सिंह चौहान जी रीवा आए थे, एक साहू समाज की बच्ची खत्म हो गई थी और कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी की सरकार थी, आपको विपक्ष की भूमिका को अदा किया, आप उनके घर मिलने गए, ना कमलनाथ जी ने रोका, ना पुलिस प्रशासन ने रोका और ना रीवा जिले के किसी भी एक कार्यकर्ता ने आपको रोका। ये देश सत्ता और विपक्ष से चलता है, यह देश चलेगा भाईचारे से, यह देश साम्प्रदायिकता भड़काने से नहीं चलेगा। आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, ये गोडसे का मंदिर बनवाते हैं, गोडसे की पूजा करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी के विचारों को अपने ओत प्रोत नहीं करते, जबकि गांधी जी हर आदमी, हर व्यक्ति, हर समाज के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो आदमी की लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष उन्होंने जो किया वो देश को जगाने के लिए और आज़ादी के लिए किया।